गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कीर्तिदास मंदरावाल भारतीय माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी विषय कृतिका में पाठ 1 माता का आंचल के प्रश्न उत्तर लेंगे, जिसमें मैं आपको पहला और दूसरा ये प्रश्न का उत्तर मैं आपको करवा चुकी हूँ। मैंने पिछले वीडियो में इसके साथ साथ मैं कुछ शब्दार्थ करवाए थे। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी कॉपी में अच्छे से कर लिए होंगे। अब हम आगे लेंगे 4 नंबर प्रश्न। वैसे इसमें 3 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न आपके परीक्षा उपयोगी नहीं है, इसलिए मैं ये आपको नहीं कराऊंगी। 4 नंबर प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, मतलब किस प्रकार अलग है, इसके बारे में हम देखते हैं इसका आंसर। खेल का आधार बनाते हैं, उनके लिए मिट्टी के बर्तन पत्ते, गीली मिट्टी
आगे भी है, पहले एक बार ये देख लीजिए। बोला ना तो उसके साथ ही खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वे खेलते और खुश होते थे। परंतु आज हमारे खेलने का सामान इन सब वस्तुओं से भिन्न है, क्योंकि खेतों के अंदर जो गांव में लोग रहते हैं उनकी हर वस्तु अलग होती है, खेलने का सामान उनका अलग है। लेकिन परंतु आज हमारे खेलने का सामान इन सब वस्तुओं से भिन्न कैसे है, क्योंकि हमारे खेलने के लिए क्या है, आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम है, क्या है, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम हैं और कंप्यूटर गेम है आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो उनकी तुलना में बहुत ही अलग है। ठीक है, इसके आगे भी है, अभी बता देती हूँ मैं आपको। भोलानाथ जो लिखाया था ना उसी के आगे लिखना है आपको, ठीक है। ये भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं, बच्चों की वस्तुएं सुलभता से खेल सामग्री मूल्य खर्च करने पर ही प्राप्त होती है, ठीक है। तो मैंने आपको लिखा था, उसके बाद आपको ये लिखना है, बोला ना जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से, मतलब आसानी से सुलभता से प्राप्त होता है, आसानी से वो बिना मूल्य के मिल जाती है, मतलब कि कोई भी उस पर खर्चा नहीं करना पड़ता है। और आज के बच्चों की खेल सामग्री कैसी होती है, मूल्य खर्च करने पर ही वह मिलती है, क्योंकि पैसा खर्च किया जाता है तभी वो चीज़ें आती हैं, अन्यथा वो चीज़ें नहीं आती है। गाँव के लोगों को जो चीज़ होती है वो सुलभता से मिल जाती है, मतलब आसानी से बिना पैसे खर्च किए मिल जाती है, फिर भी वो उन वस्तुओं का आनंद उठाते हैं। यह है भोलानाथ और उसके साथियों के खेल खेलने की सामग्री में और आपके खेल खेलने की सामग्री में, ठीक है बच्चों। तो यह आप प्रश्न का उत्तर लिखिए, ठीक है। आगे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। ये देखिए, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए थे। पाठ हमने पढ़ा, उसमें ऐसी कौन कौन सी बातें थी जो आपके मन को बहुत ही छू गई थी, उनके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। इसमें नंबर हम क लिखेंगे, क के अंदर सबसे पहले हम स्टार्टिंग वाला लिखेंगे, लेखक का अपने पिता, लेखक का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, उसने क्या करते थे, कुश्ती लड़ना, और पिता के द्वारा शिथिल होकर, शिथिल मतलब कमजोर, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना,
चम्मच भराकर मस्ती करना, मस्ती करना बेहद रोचक, बेहद रोचक और आत्मीय प्रसंग, और आत्मीय प्रसंग है। इसका पहला पॉइंट है, देखो आप लेखक का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना और पिता के द्वारा शिथिल होकर मतलब कमजोर होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना, मतलब कि बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, पिता का बेटे के हाथों को चूमना, तो कभी दाढ़ी में चढ़ाकर मस्ती करना, जैसे सब भी बच्चे अपने मम्मी पापा से मस्ती करते ही हैं, वैसे ही यहाँ पर भोलानाथ भी अपने पिता से के साथ मस्ती करता है। बेहद रोचक और आत्मीय प्रसंग है, कैसा है, बेहद ही खूबसूरत और रोचक प्रसंग है ये। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। देखिए, जब लेखक के पिताजी रामायण का पाठ करते तब वे उनके पास में बैठकर आईने में अपना मुंह निहारते, मतलब मुंह देखते, और पिता की नजर जब लेखक पर पड़ती तो वे क्या करते थे, रजा मतलब शर्मा कर आईना नीचे कर देते थे। इस बात पर लेखक के पिताजी क्या करते थे, मुस्कुरा देते थे। यह भी एक सुंदर प्रसंग की श्रेणी में आता है, यह भी बहुत ही सुंदर प्रसंग है। इसका तीन नंबर पॉइंट देखते हैं हम। देखिए तीसरा पॉइंट, बच्चों द्वारा बारात का सॉन्ग मतलब नाटक, सॉन्ग का मतलब क्या होता है, नाटक। ठीक है, सॉन्ग रचते हुए संगीत, संगीत का बकरे पर
कि जब हम बचपन में भोलानाथ थे तो उन्होंने क्या किया, वो सॉन्ग रचते थे, मतलब कि नाटक करते थे कि समधी का बकरे पर सवार हो गए, दुल्हन को ले आना और पिताजी द्वारा भोजन किया, दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना, बच्चों के खेल में समाज के प्रति इनका क्या जलता है, रुझान चलता है कि हाँ समाज के प्रति भी इनका बहुत सारा रुझान है, वो उनकी तरह झुकाव है। तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता सॉन्ग और उनका बचपन, जबकि उनका बचपन था, सभी बच्चे बचपन में बहुत सारे सॉन्ग रचते हैं, वैसे ही यहाँ पर भोलानाथ करते थे। ठीक है, इसका चौथा पॉइंट देखते हैं हम। चौथा और पांचवा, ये पूरा आपका यहाँ तक है।